बीते। ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है। पंजाब पुलिस विच वड्डे पद्धर ते तबादलियां दा दौर जारी है। हुण 113 आईपीएस ते पीपीएस अफसरां दा तबादला कर दिता गया। जिहड़े मुख तबादले ने ओह तुहानूं दस दिंदे आं। विभू राज नूं एडीजीपी इन्वेस्टिगेशन लोकपाल नियुक्त कर दिता गया। एलके यादव एडीजीपी क्राइम पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनाए गए ने। बाबू राम मीणा नूं पंजाब इंटैलीजेंस दा डीआईजी नियुक्त किया गया। आईपीएस नानक सिंह एआईजी परसोनल लगाए गए ने। मूसेवाला कतल की जांच लई बनी एसआईटी के मुखी जसकरण सिंह नूं फिरोजपुर रेंज के आई जी का वादू चार्ज दिता गया। ये कुछ वड्डे तबादले ने। इस तो इलावा भी कई ऐसे तबादले ने जिहड़े अज कीते गए ने। गगनदीप आहूजा मेरे नाल ने, मेरे सहयोगी, उन्होंने तो होर जानकारी लैने। गगनदीप, 3 महीने तो ज़्यादा समा सरकार का हो गया, ये दौर जिहड़ा बदलाव का दौर है, तबादले का दौर है, ये हजे भी जारी है कि अजे ये पुलिस विभाग जिहड़ा पूरे तरीके नाल सैटल नहीं हो पाया? हाँ जी नरेंद्र, कार्ड्स नू रीशफलिंग असी कह सकते हैं की जा रही है। कार्ड्स प्ले करन तो पहला उसी तरीके दे नाल तबादले भी रोज सुनन नू मिल रहे ने। पुलिस दे थोक दे तबादले अज किए गए ने, 113 दे करीब जिहड़े तबादले सामने आए ने। नवे डीजीपी लगन तो बाद यादव लगे ने, उस तो बाद वड्डी तादाद तबादले अज सामने आ रहे ने। और वड्डी गल जिहड़ी लोकपाल दा इन्वेस्टिगेशन दा एडीजीपी लगाया गया विभू राज नू, वो सब तो वड्डी एक अहम डिवेलपमेंट मनी जा सकती है, क्योंकि पिछली कांग्रेस सरकार वाले कई मंत्रियों वालों अजिहां भ्रिष्टाचार के कथित तौर पर जो काम किए उसकी जांच के लिए लोकपाल की जो इन्वेस्टिगेशन की बहुत जरूरत थी, जिन्हों काफ़ी लंबे समय तो खाली पई थी पोस्ट डी जी पी की। डी जी पी का रैंक उन्होंने दिता गया, डी जी पी भावे लगाया गया पर डी जी पी के तौर पर वो काम करेंगे। होर वे अफसर भी लगाए गए हैं। और जो तक जिमें दस रहे थे सिद्धू मूसा वाला या कतलकांड की एसआईटी जी जांच ली जसकरण सिंह आई जलंधर के पी ए पी के है, उन्होंने वादू चार्ज फिरोजपुर रेंज का भी दिता गया। और कुल मिला के गल की जाए सरकार हले सैटल हो जा रही है, जिस तरह से कह सकते हैं हले तक सैटल नहीं हो। चीफ सैकटरी तबादला हो गया, डी जी पी का तबादला हो गया, होर कई तब्दीलियां देखने को मिल रही ने। ब्यूरोक्रेसी दूजे आई ए एस आई पी एस जे पी सी एस अफसर भी बदले गए हैं। अज आई पी एस और पी पी एस 113 थोक के तबादले किए गए, और आने वाले दिन समझा जा रहा है कि होर तबादले भी होने की उम्मीद जी है। वैसे गगनदीप जी, ये जो सरकार बदल दी हैं तो इस तरीके के तबादले किए जाते हैं, पर तुम भी इस तो पहला कई सरकार बदल दी वेखिया, इन्नी इन्नी ही मात्रा के इन्ने ही ज़्यादा तबादले होंगे ने, या कोई नवा जिसनों कही है कि सरकार अपने नाल बदला लैके आई है? बिल्कुल, एक तो क्रेडिबिलिटी की गल समझी जाती है नंदपाल जी, क्रेडिबिलिटी नहीं बैठ रही कई अफसर के दरम्यान आपस में, पोलिटिशन की नहीं बैठ रही, जिसे करके जो तबादले किए जा रहे हैं बार बार। और जिमें कई डिपार्टमेंट की गल की जाए, एक उदाहरण आप लै सकते लोग संपर्क विभाग की उदाहरण लै लीए तो लोग संपर्क जोड़े अफसर है ना, बिल्कुल साइड लाइन करते गए ने। नवी टीम एक लिया के बिठा दी गई पन मीडिया के तौर पर, उत्ते नवे अफसर जोड़े नवे कारकुन है जोड़े एक्टिविस्ट उ पोस्ट करते हैं। कोई भी पिणक जी है सरकारी कामों की ऑफिशियल जोड़े ने लोग संपर्क उन्होंने दी जाती है, सारा कुछ तैयार करके प्रेस नोट किया जाता भी इन रिलीज करता जाए। इसी तरीके कई बार भरोसेयोग्यता आपसी जोड़ा मैचिंग है वो पॉलिटिशियन की और अफसर की नहीं बैठ रही, जिसके करके ये सारे तबादले नित दिहाड़े देखने मिल रहे हैं। जी नरेंद्र, बहुत धन्यवाद गगनदीप आहूजा इस जानकारी दे लई। कई जिले के एस पी भी बदले गए ने वड्डे पद्धर से, ये पुलिस तबादलों का दौर जिहड़ा चलता आ रहा है वो लगातार जारी है। डी जी पी नवे लाए गए हैं, तो उस तो बाद तबादले जोड़े है ये पहले वड्डे पद्धर से ये किए गए हैं। हुण ये डी जी पी दे लेवल ते होए ने या कुछ होर इस दे पिछे वजह है, या कानून व्यवस्था नूं लैके जिहड़े सवाल लगातार चुके जांदे रहे ने पंजाब सरकार ते कि वह वजह है, पर इस सब दे विचाले तबादलियां दा दौर जिहड़ा वो लगातार जारी। अगे वधदे हां, राघव चड्ढा नूं सलाहकार कमेटी दा कल चेयरमैन।